साथियों कैसे हैं आप सभी जी। आज हो चुकी है 12 तारीख और 12 तारीख को आपकी दिल्ली डीएलएड की जो एडमिशन की फर्स्ट लिस्ट है उसको आपको किस तरीके से चेक करना है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो देखिए ऑफिशियल शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो आज आपकी 12/6/2024 डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट है जो टेंटेटिवली है, लेकिन आज आपकी लिस्ट जो है वो डिक्लेयर होनी है। और इस समय जो है समय की बात करें तब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 3:07 हो चुके हैं, तो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन आएगी तो किस तरीके से चेक करनी है। देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट, गूगल पे क्या करना है आपको मैं बता दे रहा हूँ। SCRT दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके बता रहा हूँ। इस SCRT डालोगे आप और इसे डालने के बाद क्या है, नंबर वन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अभी CVT रैंक दिखाई दे रही है ना आपको, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये जो CVT रैंक दिखाई दे रही है ना, CVT रैंक लिस्ट DLED, यहाँ पर पहली बार तो लिस्ट आ जाएगी और व्हाट्सएप पे मैं कर दूंगा आपको, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना 9136665422, ठीक है। उस पर आपको क्या है, व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में लिस्ट जो है ये मिल जाएगी जैसे ही आएगी। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, यहाँ पर ये DLED अप्लाई लॉगिन का है, इसमें क्या करना है आपको लॉगिन कर लेना है, ये एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और इसमें सिक्योरिटी पिन आ रहा है जो साइन इन हो जाओगे, तो उसके अंदर क्या दिखेगा आपको, अलॉटमेंट लेटर है ना, रिजल्ट का दिखाई देगा, तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे वो आपको मिल जाएगी अगर आपका नाम आया। तीसरा तरीका भी बता देता हूँ, दो तरीके बता दे। तीसरा तरीका किस तरीके से चेक करनी है, आपके मोबाइल पर भी मैसेज आएगा, जैसे आप भी आपका उसके लिए आया था ना, चॉइस फिलिंग के लिए आया था, चॉइस एडिट और फिलिंग के लिए, जिसमें लॉक अनलॉक दोनों के लिए बताया था कि लॉक करनी है आपको अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी, तो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपको लिस्ट चेक कर लेनी है, बाकी मैं नंबर लिख देता हूँ आपका, तो इस नंबर पर क्या करो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, 9136665422। आज शाम तक आ जाएगी, नहीं कल मॉर्निंग में आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एडमिशन में ना काफ़ी समय है इसलिए ये थोड़ा सा डिले चल रही है, तो उसकी तरफ से चिंता नहीं करनी चाहिए आपको। क्योंकि अगर हम बात करें एडमिशन के लिए, इसमें देखिए जब लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद 13 यानी कल का दिन है, 14, 15, 16, 17, 18, 6 दिन इसमें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने आराम से आपको एडमिशन के लिए टाइम मिला हुआ है, तो कल भी आपको देखने को मिलेगी, जैसी आएगी वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आगे क्या करना है, आगे करना कुछ नहीं है आपको, जैसी आओगे लॉगिन हो गए, लॉगिन में क्या है आपको 1800 रुपये फीस पे करनी है, उसमें क्या करना है आपको फिर अपने साथ दो डॉक्यूमेंट लेकर जाने, दो सेट ऑफ फोटोकॉपी के, ठीक है, और ओरिजिनल भी। उन डॉक्यूमेंट को जाकर क्या है, जिस भी इंस्टीट्यूट में नाम आया है वेरीफाई करा दो, अगर आप सेटिस्फाई हो तो सीट वहां पर दिखाई देगा फ्रीज करने का और अपग्रेड करने का, तो भाई जिनको लेना है वो सीट को क्या करेंगे, फ्रीज कर देना, और जिसको नहीं लेना, मुझे लेना है कि भाई मेरे को दूसरी डाइट में लेना है, तो सीट को क्या कर देना, अपग्रेड कर देना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक बच्चे का ही था आप में से, उसने क्या करा है, उसको कौन सा केशवपुरम डाइट चाहिए है ना, डाइट KP चाहिए, लेकिन उसने क्या है पहले नंबर पर पीतमपुरा भर दिया, और उसकी रैंक जो है वो बहुत है, आई थिंक 70+ C है, ठीक है, इस बार उस बच्चे की, ठीक है। तो उसने क्या पीतमपुरा भर दिया, केशवपुरम क्या कर दिया तीसरे नंबर पे भर दिया, और आई थिंक दूसरा कोई और नंबर है, तो उसका पीतमपुरा में आ जाएगा। अब उसे लेना नहीं है, वो कह रही है कि सर मेरे को तो केशवपुरम में चाहिए या डाइट RN में आ जाए, तो पहली लिस्ट में उसका नाम पहली में ही आएगा, ये मेरा मतलब वैसे मैंने उसे बताया आ जाएगा क्योंकि रैंक अच्छी है, तो पहली लिस्ट में अगर नाम आ गया तो ऐसे में क्या करना है आपको सीट अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा। ये मैं आपको तभी बता पाऊंगा अच्छे से जब लिस्ट आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा तो अच्छे से समझाऊंगा, तो अपग्रेड कर देनी है आपको, ताकि आपकी जो सेकेंड लिस्ट आएगी उसमें क्या कर सकते हो आप, चेंज कर, दूसरे में आपका नाम आ जाएगा तो वहां पर आप कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, मैंने आपको अपडेट दे दिया, जैसी आएगी लिस्ट उसका भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।